हेलो दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ T20 सीरीज़ में पाकिस्तान इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ने उतरेगी टीम इंडिया। तो जाने क्या है दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बताएगी आपको इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। वनडे सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ का सुपड़ा साफ करने के बाद अब टीम इंडिया की T20 सीरीज़ में कैरिबियाई टीम से भिड़ेगी। पहला मुकाबला त्रिनिदाद स्थित ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में फेवरेट मानी जा रही है। अगर टीम सीरीज में 5 मुकाबले जीत जाती है तो एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी। रोहित एंड कंपनी वेस्ट इंडीज को उसके घर में सबसे ज़्यादा T20 मैच हराने वाली टीम बन जाएगी। अभी इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज में सबसे ज़्यादा 6 T20 मुकाबले जीते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की टीम है, उन्होंने भी 6 मैच अपने नाम किए हैं। भारत ने अभी तक वेस्ट इंडीज में सिर्फ उनकी धरती पर 4 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 में जीत और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पूरी टीम का फोकस 5 मैच जीतकर नंबर 1 पर बनना का होगा। बदल गई टीम इंडिया। T20 सीरीज में भारत के नियमित कप्तान रोहित शर्मा के साथ हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार और ऋषभ पंत और आर अश्विन जैसे अनुभवी खिलाड़ी की वापसी हो रही है। ये खिलाड़ी वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले हार्दिक पांड्या को एक बार फिर टीम इंडिया में कमाल दिखाने का मौका दिया जा रहा है। वहीं ये भी देखना होगा कि रोहित शर्मा के साथ मुकाबले में कौन सलामी बल्लेबाजी करेगा। इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत को चौक के मौका दिया गया था लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में टीम इंडिया के पास ईशान किशन के एक अच्छा विकल्प है। टीम इंडिया प्लेइंग 11: रोहित शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, युवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल शामिल है। वहीं वेस्टइंडीज टीम की प्लेइंग 11: ब्रैंडन किंग, क्राइस मेयर्स, सिमरन, निकोलन पूरन, रोमन पावेल, किसी कार्टी, जैसन होल्डर, रोमारिया सेफर्ड, गुलडाकेस, अकील और ओबेड शामिल है। इसी तरह से क्रिकेट की हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।